पाथरडी कोलवासरी स्थित मिवान स्टील लिमिटेड वासरी में जनता मजदूर संघ के बैनर तले क्लीनिंग मजदूरों का एचपीसी भुगतान करने, 2022 में क्लीनिंग मजदूरों का फरवरी माह का वेतन भुगतान करने, पाथरडी कोलवासरी के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गया, जहां मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। वहीं प्रबंधन ने यूनियन प्रतिनिधियों को वार्ता के बुलाया और वार्ता के बाद प्रबंधन व यूनियन के बीच सहमति बनी और धरना वापस ले लिया। वहीं जमस के जोनल सचिव उमेश यादव ने कहा कि प्रबंधन ने कहा कि क्लीनिंग के मजदूरों के एचपीसी भुगतान को लेकर 9 मार्च को यूनियन व प्रबंधन के बीच धनबाद कोयला भवन में उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जबकि कोलवासरी के स्थानीय बेरोजगार के सवाल पर प्रबंधन 4 युवकों को क्लीनिंग में कार्य पर रखने पर सहमति बनी, जबकि 2 अन्य को बाद में कार्य पर रखने पर सहमति बनी, जबकि अन्य मुद्दों पर उच्च स्तरीय वार्ता कर पहल करने के आश्वासन दिया गया। मांग पत्र हम लोग बहुत पहले दिए थे, लेकिन अभी उस पर कुछ सकारात्मक हम लोग अनशन पर थे, लेकिन सकारात्मक पहलू पर वार्ता हुई, जिसमें एचपीसी का 9 तारीख को हम लोग को मीटिंग रखा गया है कोयला भवन में, और अशिक्षित बेरोजगार जो हमारे एम्प्लाइज जो भर्ती हुई थी उसमें अभी हम लोग एग्रीमेंट तैयार हुआ कि हम आपके साथ तैयार हैं, हम अभी 4-6 का बात हो रहा है, उसमें इंप्लीमेंट होगा और 2-1 दिन में भी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ तक पैसे की बात है शिफ्ट चेंज रोटेशन का, तो हम लोग उस पर हम एग्री किए कि नहीं, हम लोग 8-5 ही करेंगे, उसमें लंच का टाइम जो रहेगा वो हम प्रबंधक मिलकर तय करेगी। इस पर हम लोग सब पहलुओं पर बात हुई, सकारात्मक बात हुई, आगे चल के हम लोग इन लोग के साथ हैं। अभी हड़ताल के लिए हम लोग, अगर आप लोग देखिए अगला कदम अनिश्चित काल फिर हड़ताल के लिए हम लोग बाध हो जाएंगे, आंदोलन के लिए हम लोग बाध हो जाएंगे, इसीलिए अभी 9 तारीख के बाद ही इस पर डिसीजन होगा कि हम लोग को आगे क्या करना है। इसलिए बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण माहौल में आज वार्ता हुई है मोनेट मैनेजमेंट और म्यूनिसिपल मैनेजमेंट और जनता मजदूर संघ के बीच में, और जो जीत कायम था नियोजन देने पे और अनटाइमली जो है शिफ्ट देने में और वेतनवाज में जो त्रुटि थी उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से उसमें मैनेजमेंट ने अपनी माना, और जो हमारा डिमांड था नियोजन को लेकर भी उसने उन्होंने स्वीकार किया और कल से नियोजन देने की प्रक्रिया चालू है। इसका मामला ये कोई बीसीसीएल से रिलेटेड है, 9 तारीख को सीसीडब्ल्यूओ में हायर जो कोयला भवन के हायर अफसर हैं और यहाँ के जो अफसर हैं मिलकर जनता मजदूर संघ के साथ उस पर वार्ता करें, सकारात्मक एकदम सारा चीज पहल किए। और देखिए वादे पे खरा नहीं उतरती है, तो हम लोकतांत्रिक तरीका से जिस तरीका से हम आंदोलन करते हैं उस आंदोलन को करेंगे। फिलहाल आंदोलन स्थगित, बिल्कुल जब हमारी मांगों को मान लिया गया तो फिर आंदोलन की कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।